अब यार भारत के बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून आखिर कौन भूल सकता है। पोगो चैनल पर आने वाला ये शो मेरे बचपन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून था। आप सोच नहीं सकते कि नॉडी का वो सेंटा क्लॉज वाला हैट और रेड कलर का वो शर्ट मेरे बचपन की कितनी यादों को ताजा करता है। अब देखो, मुझे सच में याद नहीं है कि आखिर स्कूल से आने के बाद मैं ये कार्टून देखता था या स्कूल जाने से पहले। बस मुझे इतना पता है कि इसे देखकर मेरे बचपन की केवल हसीन यादें ही याद आती है। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे और यहाँ तक कि आजकल के टीनेजर्स को भी इस लेजेंडरी कार्टून के बारे में पता होगा। और होगा भी कैसे, अगर इंटरनेट पर दी गई जानकारी सही है तो साल 2010 के बाद इस कार्टून को कभी भी इंडियन टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया गया। लेकिन आखिर क्यों, इस कार्टून को अचानक से बंद क्यों कर दिया गया था? वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक अजीबोगरीब केस कर दिया गया था जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं इसे बंद करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, नॉडी एक ब्रिटिश चिल्ड्रन टेलीविजन सीरीज है जो 1940s की एक बुक सीरीज के ऊपर बेस्ड है। अब इस बुक को एनिड ब्लाइटन ने लिखा था। बुक रिलीज होने के कई सालों बाद साल 1992 में कॉसग्रोव हॉल फिल्म्स नाम की एक कंपनी में इसका कार्टून बनाया गया और इसे बाद में बीबीसी चैनल पर पूरे यूनाइटेड किंगडम में ब्रॉडकास्ट किया गया। नाउ नॉडी बच्चों में तुरंत फेमस हो गया और 1998 में इसे एक बार फिर से रिवाइव करके इसके नए एपिसोड्स साल 2000 तक रिलीज किए गए थे। अब इस शो की पूरी कहानी एक नॉडी नाम के छोटे से लकड़ी के खिलौने के ऊपर आधारित है जो कि अपने दोस्तों के साथ टॉयलैंड नाम की एक कलरफुल दुनिया में रहता है। नॉडी एक बहुत ही काइंड और फ्रेंडली कैरेक्टर है। वो अक्सर ही अपनी छोटी लाल और येलो कलर की टैक्सी चलाते हुए दिखाई देता है। अब आप सबको भी ये कार याद ही होगी, इसके सामने एक चेहरे जैसा कुछ बना हुआ था। अब पता नहीं क्यों पर बचपन में मुझे भी नॉडी जैसी ही कार चाहिए थी। नॉडी के साथ टॉयलैंड में और भी बहुत सारे लोग रहते थे और नॉडी अक्सर ही उनकी मदद किया करता था। अब आप कह सकते हैं कि नॉडी एक टैक्सी ड्राइवर की तरह था जो हर किसी के सामान को भी पहुंचाया करता था। अब पूरे शो में बहुत सारे फन और एजुकेशनल स्टोरी लाइंस होते हैं जो छोटे बच्चों को फ्रेंडशिप, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग के इम्पोर्टेंट स्किल्स सिखाते थे। हर एक एपिसोड लगभग 10 मिनट्स का हुआ करता था। अब देखो दोस्तों, हर बच्चे का अटेंशन स्पैन चूंकि छोटा हुआ करता था, इसीलिए अपने कलरफुल एनिमेशन और शॉर्ट एपिसोड्स के जरिए नॉडी यंग व्यूअर्स को बड़ी तादाद में अट्रैक्ट कर पा रहा था। समय में मुझे नॉडी कार्टून का एक भी एपिसोड ढंग से याद नहीं है, लेकिन इसका थीम सॉन्ग जैसे मैं मन में अटक सा गया है। अक्सर ही मैं आ गया नॉडी नॉडी का गाना गाने लगता हूँ और सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता। नॉडी टीवी सीरीज केवल यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में ही नहीं बल्कि 100 दूसरी कंट्रीज में भी ब्रॉडकास्ट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया की दूसरी कंट्रीज, आप बस नाम लीजिए, नॉडी कार्टून वहां रन हो चुका होगा। अब देखो, इंडिया में इसकी बेस्ट चीज थी इसका हिंदी डब। चाहे नॉडी की वॉइस हो या नैरेटर की वॉइस हो। सुहाना दिन है बिगियर्स, क्या आप मछली पकड़ने के लिए तैयार हैं? कितनी हवा चल रही है। हर एक स्टोरी को इतने सिंपल वे में बताया जाता था कि हर बच्चे का इंटरेस्ट जाग जाए। अब देखो, नॉडी के अलावा उसके दूसरे कैरेक्टर्स ने भी शो को हिट बनाया था, जैसे कि बिग ईयर्स। बिग ईयर्स एक गॉब्लिन जैसे बड़े कानों वाला कैरेक्टर था। इसके साथ ही वो नॉडी का बेस्ट फ्रेंड भी था। उसकी वाइज और काइंड पर्सनैलिटी मुझे आज भी याद है। नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत खतरा है, इतनी तेज हवा में सीढ़ी पर चढ़ना ठीक नहीं। जब भी नॉडी किसी मुसीबत में होता तो वो बिग ईयर्स के पास ही जाया करता था। अब दोस्तों, मेरे ख्याल में बिग ईयर्स की कैरेक्टर ने बहुत सारे बच्चों को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया था कि हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी भी मुसीबत में उनसे सलाह लेने से डरना नहीं चाहिए। एक और बहुत अच्छा कैरेक्टर जो मुझे याद है वो है टेसी बियर। टेसी एक टेडी बियर टॉय थी जो कि पिंक कलर का स्कर्ट पहना करती थी। टेसी बहुत ही काइंड और स्वीट बियर थी जो टॉयलैंड में अपने टॉय शॉप को चलाया करती थी। टेसी नॉडी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉडी के हर एपिसोड की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एपिसोड तो मुझे आज भी याद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद जरूर होगा। देखो, एक बार टॉयलैंड में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और अचानक वहाँ के हर चीज का कलर पूरी तरह से धुल जाता है, जहाँ तक कि कार्टून के कैरेक्टर्स भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बदल जाते हैं। और तब टेसी बियर बहुत सारे कलर्स अपने साथ लाती है और नॉडी पूरे शहर को कलर करने लगता है।
लेकिन इतनी सारी चीजों को एक साथ कलर करना नामुमकिन था। और तब नॉडी आसमान में एक रेनबो को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टेसी बियर और बम्बी डॉग को अपने एरोप्लेन में बिठाता है और सीधा रेनबो की तरफ उड़ चलता है। टेसी बियर रेनबो के सारे कलर्स को अपनी बाल्टी में भरती है और टॉयलैंड पर छिड़क कर उसे एक बार फिर से रंग देती है। अब इतनी सिंपल और लॉजिकल स्टोरी को आखिर ऐसे कोई बच्चा पसंद नहीं कर पाएगा। अब देखो यार, मैं जानता हूँ कि रेनबो के कलर चुराना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, लेकिन बच्चों को तो यही चीज पसंद आती है ना। नॉडी ने अपने ब्राइट कलर्स, कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड की मदद से एग्जैक्टली वो दिया था जो एक 5 से 10 साल का बच्चा देखना चाहता था। अब नॉडी के इस कार्टून सीरीज ने अपने समय में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें बाफ्टा बेस्ट चिल्ड्रंस एनिमेटेड सीरीज का अवार्ड भी शामिल है। अब इंडिया में तो स्पेशली इसकी सबसे लार्ज ऑडियंस थी। पेरेंट्स को भी ये कार्टून पसंद आता था जो फ्रेंडशिप और काइंडनेस जैसी वैल्यूज उनके बच्चों को सिखा रहा था। अब नॉडी के फ्रेंचाइजी ने अपने मर्चेंडाइज को भी इंडिया में लॉन्च किया था। इसके टॉयज, बुक्स और क्लोथ्स हर चीज बेचे जाते थे। अब मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे दोस्त नॉडी का टिफिन बॉक्स और स्कूल बैग भी लेकर आते थे, लेकिन आज तो जैसे नॉडी का नाम और निशान तक टीवी चैनल से मिट चुके हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीजन ये है कि पेरेंट्स के कुछ ग्रुप्स ने नॉडी कार्टून के ऊपर केस कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब रिपोर्ट्स की माने तो साल 2007 में नॉडी कार्टून को टेम्पोररीली बैन कर दिया गया था। इन पेरेंट्स का आरोप था कि नॉडी कार्टून बच्चों में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। केवल इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा में भी इस वजह से लोगों ने नॉडी को बैन करने की सिफारिश की थी। अब नॉडी कार्टून की मेन ऑथर एनिट ब्लाइटन पर भी आरोप लगाए गए थे कि वो एक सेक्सिस्ट और रेसिस्ट औरत है, जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी जैसे मुद्दे को नॉडी के कार्टून में बहुत बुरे रूप से दिखाया है। अब देखो, सच कहूं तो यार मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इन सभी चीजों से ज्यादा फर्क भी पड़ता होगा। इसे मेनली 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ही बनाया गया था और ऐसा तो था नहीं कि कार्टून के अंदर हर वक्त होमोसेक्सुअलिटी की ही बात चल रही हो। कहानी का मेन थीम हमेशा ही नॉडी और उनके एडवेंचर पर फोकस्ड रहता था। अब देखो, कुछ महीनों के बाद इंडिया में इसके ऊपर से बैन उड़ गया, लेकिन तब तक इसने अपनी ऑडियंस को खो दी थी। अब वही बच्चे दूसरे कार्टून देखने में बिजी हो गए थे। नॉडी अब वो कार्टून बन गया जिसे कभी कोई देखाता था। इसके व्यूज लगातार डाउन होते गए और फिर चैनल वालों ने भी फैसला किया कि अब नॉडी के राइट्स दोबारा खरीद कर उसे दिखाने से केवल लॉस ही होगा। अब मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि नॉडी दोबारा से पोगो चैनल या फिर किसी भी दूसरे चैनल पर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपको कभी अपने बचपन की यादें ताजा करनी हो तो बस यूट्यूब पर इसके एपिसोड सर्च करिए और कुछ मिनटों के एपिसोड देख लिया कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह आपके अंदर की इन हसीन यादों को जगा सके और आपको भी मजा आए। तो बस, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।